यार नोएडा के पार्कों में हो रही बिजली चोरी, क्या सरकार को लगाया जा रहा राजस्व का चूना? एक विभाग लिख रहा दूसरे विभाग को चिट्ठी, आखिरकार क्या वाकई में सब गोलमाल है? ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें नोएडा के कुछ पार्कों की हैं, मगर ये बानगी हैं कि कैसे बिजली चोरी से लाखों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। तो क्या वाकई में, मगर कैसे, चलिए अब वो भी आपको बताते हैं। बताएंगे कि कैसे एक विभाग दूसरे विभाग को बकायदा चिट्ठी लिखकर बता रहा है कि आपके राज्य में बिजली चोरी का खेल हो रहा है, और ऐसा हो रहा है कि कोई भी पार्क में घूमने आया शख्स उसका शिकार बन सकता है। मगर सवाल ये कि आखिरकार ये बिजली चोरी क्यों हो रही है और कौन कर रहा है ये बिजली चोरी? क्या वाकई में खेल बड़ा है? तो चलिए एक एक सवाल का जवाब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में पोल खोलती हैं उस खेल का जिसमें लाखों का खेल ठेकेदार खेल रहे हैं। मगर सवाल ये कि किसकी शह पर, क्योंकि इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि कैसे पार्कों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल लगे पंपों का डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रीट लाइट के पोलों से लिया गया है, वो स्ट्रीट लाइट जो पार्कों में लगी है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि हकीकत है क्या? इन पंपों के लिए जनरेटर की व्यवस्था है, और व्यवस्था जनरेटर की है तो तेल की भी होगी, यानी तेल होगा तो जनरेटर चलेगा, और तेल के लिए विभाग से मिलता है पैसा। मगर क्या ये हकीकत है कि तेल में ही खेल हो रहा है? क्योंकि बिजली के कनेक्शन तो पार्कों में डायरेक्ट चल रहे हैं, मगर फिर जनरेटर के तेल का पैसा कौन डकार रहा है? क्या जनरेटर को बिना चलाए तेल का पैसा लिया जा रहा है? न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने नोएडा के तमाम पार्कों का जायजा लिया, कमोवेश नोएडा के अधिकतर पार्कों में यही स्थिति दिखाई दी। तो क्या वाकई में खेल सिर्फ एक आध पार्क का नहीं बल्कि कई पार्कों का है, मतलब लाखों का है या फिर करोड़ों का? और वो भी हैरान करने वाली बात ये है, ये सब तब हो रहा है जब विभाग को इस बात का इल्म है। जी सही सुना आपने, विभाग को इस बात का पता है कि ठेकेदार ना सिर्फ बिजली चोरी कर रहे हैं बल्कि तेल का मिलने वाला पैसा भी अपनी जेब में डाल रहे हैं। आपको यकीन नहीं होता तो विद्युत विभाग का सिंचाई विभाग को लिखा ये पत्र देखिए। इस पत्र में ये तक कहा गया कि बिजली चोरी के नाम पर लोगों की जिंदगी का सौदा किया जा रहा है, क्योंकि इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि पैनल को खोलकर पार्क में खुली केबल डाल दी जाती है, जिससे पार्क में घूमने वाले व्यक्ति को करंट लगने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार विजिलेंस डिपार्टमेंट कहाँ है? अगर कोई आम आदमी बिजली चोरी करता है तो कटघरे में खड़ा हो जाता है, मगर बिजली विभाग, सिंचाई विभाग और विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्योंकि विद्युत विभाग सिंचाई विभाग को मामले से अवगत करवाता है, मगर उसके बावजूद विद्युत विभाग के लिखे सिंचाई विभाग को पत्र को लेकर क्या कोई संज्ञान लिया जाता है? क्या विजिलेंस डिपार्टमेंट हरकत में आता है? और हाँ, नंगी तारों से खतरा बना हुआ है सो अलग, स्ट्रीट लाइट से ढक्कन खोलकर बिजली चोरी हो रही है, तो ऐसे में कोई बच्चा या कोई दूसरा शख्स इसकी जद में आया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि लाखों करोड़ों का अगर बिजली चोरी का खेल हो रहा है तो फिर कौन और किसकी शह पर हो रहा है ये तेल का खेल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।